नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। पुराने टैक्स विवाद में फ्रांस की कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि भारत की 20 सरकारी संपत्तियां जब्त कर ली जाए, और ये आदेश केएन एनर्जी विवाद को लेकर दिया गया है। फ्रांस की एक अदालत ने ब्रिटेन की केएन एनर्जी पीएलसी को 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए फ्रांस में लगभग 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट से जीत मिलने के बाद केएन एनर्जी अपने पैसे के लिए सरकार के पीछे बुरी तरह से पड़ चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केएन एनर्जी ने विदेशों में भारत सरकार की करीब 70 अरब डॉलर यानी 5 लाख करोड़ से ज़्यादा संपत्ति की पहचान कर ली थी। खबरों में कहा गया है कि केएन एनर्जी भारत सरकार की जिन संपत्तियों को जब्त करने के लिए चिन्हित किया है उसमें एयर इंडिया के विमान और शिपिंग्स कॉरपोरेशन इंडिया के जहाज भी शामिल हैं। दरअसल अदालत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वो केएन एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए। भारत सरकार ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद केएन एनर्जी ने भारत सरकार की संपत्ति को जब्त करके वसूली के लिए विदेशों में कई न्यायालयों में अपील की थी, जिसके बाद फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केएन एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया, जिसमें से अधिकतर फ्लैट शामिल हैं। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।